हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज। बात करेंगे रेवाड़ी की बड़ी खबर के बारे में, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूं, रेवाड़ी में तेल गोदाम पर रेड, पूरी खबर बताता हूं। जानकारी मिली जिसके अनुसार सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि कमालपुर के पास एक गोदाम में तेल चोरी किया जाता है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम को अपने साथ लिया और शनिवार मतलब आज के दिन दोपहर गोदाम पर छापा मार दिया। उस दौरान गोदाम में एक तेल जो टैंकर होते उससे चालक की मदद से गोदाम मालिक तेल चोरी कर रहा था। इसके बाद सीएम फ्लाइंग ने मौके से 50 लीटर तेल और टैंकर को कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा गोदाम में रखे तेल चोरी करने में यूज होने वाले उपकरण के अलावा 3 प्लास्टिक की कैन भी कब्जे में लिए। आपको बता देता हूँ ये जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और दरअसल देखिए एक और खबर, 2 साल पहले एक मौत भी हो चुकी इसी कारण। बावल रोड पर कर्णावास के पास कई कंपनियों के तेल डिपो बने हुए हैं। यहाँ से प्रदेश भर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई भी होती है। रिफाइनरी से निकलते ही टैंकर चालक बाहर चोरी का धंधा करने वाले लोगों के साथ मिलकर टैंक से तेल चोरी कर लेते हैं। 2 साल पहले ही ऐसे ही गोदाम में देखिए गोदाम के अंदर आगजनी की घटना हो गई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। इसके बाद देखिए दूसरी जो खबर मैं आपको बताता हूँ, दूसरी खबर है कि जिस बात का डर था वही हो रहा है। देखिए मैंने आपको पहले कई बार बताया कि साइबर क्राइम रेवाड़ी के अंदर लगातार बढ़ रहे हैं। इसी के चलते हमें जो जानकारी मिली इसके अनुसार धारवेड़ा के वार्ड नंबर 17 स्थित सैनी धर्मशाला के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उसने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से फ़ोन कर अपनी दुकान का माल मंगवाया था। कई दिन बाद भी जब माल नहीं पहुंचा तो उसने ऑनलाइन नंबर सर्च कर डिलीवरी का पता किया। तो देखिए आप सभी को मैंने बता रहा कि कभी भी गूगल वगैरह पर इनका नंबर सर्च ना करिए लोग, फ्रॉड मतलब कई फ्रॉड लोग होते हैं वो जो अपना फ्रॉड नंबर वहां पर डाले रखते हैं जिनसे लोग उनके चक्कर में आ जाते हैं। अब देखिए एक व्यक्ति है जिसने मतलब ऐसे ही ऑनलाइन सर्च किए नंबर और ढूंढा तो एक व्यक्ति के पास उन्होंने कॉल किया तो उसने कहा कि हाँ मैं वहीं बोल रहा हूँ कंपनी वाला ही, आपका क्या दिक्कत आप बताइए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे को शिकायत करनी है, मैंने सामान मंगवाया था लेकिन अभी तक नहीं आया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है आपकी शिकायत हमने दर्ज कर लिया, आपकी 2 रुपये कटेंगे ऑनलाइन चार्ज, वो आप कटवा दीजिए। इसके बाद उस व्यक्ति ने 2 रुपये कटवा दिए। इसके बाद देखिए क्या किया, उसके बाद शादी ठग ने बताया कि उसे मोबाइल, देखिए उस व्यक्ति ने कहा कि अब आप है ना एक काम कीजिए कि एनी डेस्क ऐप डाउनलोड आपको करनी होगी और उसके बाद जो 9 अंकों का नंबर आएगा वो आपको बताना होगा, उसके बाद आपकी शिकायत जो भी है उसका सोल्यूशन हो जाएगा। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और शातिर के कहे अनुसार ऐप डाउनलोड कर 9 अंकों का नंबर उसे बता दिया। साथ ही ये भी बताया कि 5 रुपये के आपके कटेंगे, तो बोला कोई बात नहीं। इसके बाद देखते ही देखते कुछ देर बाद एक अन्य नंबर से कॉल आई और शातिर ने कहा कि आपकी शिकायत दर्ज हो गई है, क्या प्रॉब्लम हुई उसने सारी चीज़ें बताई और इसके बाद वो भी उन्होंने उससे डिटेल वगैरह मांगी और उसके बाद उसके खाते से रुपए लगातार कटते गए। और मैं आपको बताया था उसके खाते से 1-2 हज़ार नहीं लगभग 70 हज़ार से भी ज़्यादा रुपए कट गए। इसके बाद जो भी है व्यक्ति उसने पुलिस को शिकायत दी। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि प्लीज़ किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, कोई आपको गूगल या किसी पर भी नंबर मिले आप उस पर सीधा सर्च करके ये नहीं कि उसकी बातों में आ जाए कि वो जो कहे वो कर दे। आप लोग सावधान रहिए क्योंकि साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं। रेवाड़ी की जितनी बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।